ऋषभ सिसोदिया, तो भाई ये स्पेशन 2017 मॉडल BS4 के साथ। तो आई हम जानेंगे इस गाड़ी का कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू और गाड़ी से रिलेटेड कुछ मिथ। तो भाई हमारे साथ है गाड़ी का ओनर शशांक पटेल। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू चैनल। थैंक यू भाई। भाई ये वही भाई है जो आपने बिटारा ब्रेजा के ओनरशिप रिव्यू में देखा था। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू चैनल। थैंक यू भाई। तो भाई सबसे पहली बात, ये गाड़ी आपने कब ली थी और कितने की पड़ी? भाई ये गाड़ी हमने 2017 में ली थी और हमें अराउंड 85,000 की पड़ी थी ऑन रोड प्राइस। तो यार सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? भाई बहुत सेटिस्फाइड। तो ये आपने ये वाली गाड़ी को देखी, आपका बहुत सही चॉइस थी, ऐसे साइन हो गई है और पल्सर हो गई है। भाई हमें कोई ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए थी, बस हमें ज्यादा ऐसा कि खेत खले में चले जाए और थोड़ा बहुत हम चल जाए, माइलेज के मामले में अच्छी हो। गए होंडा के शोरूम पे, हमें बहुत प्यारी लगी है गाड़ी। तो ये आपने सीबी साइन की तरफ जाना क्यों नहीं सोचा? भाई सीबी साइन, पहले तो गाड़ी तो वही सेम ही है, 125 सीसी का इंजन बराबर, दोनों चीजें नई निकली थी उस जब हम लेने गए थे। और क्या कहते हैं, इसका लुक भी बहुत ही प्यारा था। और तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी वैसे? क्या ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ऑन रोड पड़ी थी 85,000। भाई अब इसकी प्राइस कितनी 2021 में? अब अराउंड 1 लाख। भाई मैंने सुना था शोरूम पे कि 90 की पड़ रही है। हाँ भाई, अब अपने को तो इतना कोई खास पता नहीं है, मैं सुनते सुनते आया था गांव में। तो ये आपने और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी वैसे? आप शोरूम पे गए, आप ये गाड़ी देखने गए, तो आपने और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? तो बहुत सारी, जैसे बजाज की पल्सर हुई। और क्या उसके बारे में क्या ख्याल था? बजाज की पल्सर गाड़ी तो बढ़िया थी, पर जो ये गाड़ी है उसकी अराउंड प्राइस थी जब 2017 में 90,000 और ये 85,000। तो भाई था वो एक तो हमें 5,000 में बड़ा इंजन भी मिल रहा था उसमें, पर हमें क्या था कि अब उसमें अपन अब चलाओगे तो फिर बड़ा इंजन है, अपने को कोई इतनी खास नीड लगती नहीं गाड़ी की। और इसका लुक अच्छा लगा था हमें, और जहाँ देखो भाई आपने तीसरा शख्स वही पल्सर चलाते हुए। सीबी साइन के बारे में क्यों नहीं सोचा? भाई सीबी साइन थोड़ी छोटी गाड़ी लगती है और ये थोड़ी देख। तो भाई मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीबी साइन में ज्यादा पावर है, भले इसमें 5 गियर है, तो आपके बारे में क्या ख्याल है इसका? भाई पावर वावर तो इतना कुछ खास पता नहीं। इसमें ज्यादा पावर है या सीबी साइन में? वैसे इसमें 5 गियर आते हैं तो इसमें ज्यादा है। ज्यादा है कि 5 गियर अवेलेबल है, उसमें 4 है। और क्या कहते हैं, आप पहले गियर पे ताकत भी ज्यादा होगी जब 5 गियर है। तो ये आपने इस गाड़ी को कितनी चला रखी है? भाई गाड़ी तो अराउंड 14,215। तो भाई वैसे आपने गाड़ी इतनी चला ली, तो आपको कंफर्ट के मामले में रिलायबल लगी गाड़ी? भाई बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, आराम से तीन लोग आराम से आ जाते हैं गाड़ी पे, इतनी नीड भी नहीं पड़ती है, दो तीन लोगों की जरूरत है। बहुत बढ़िया सीट है, बहुत ज्यादा लेंथ है इसकी। भाई कंफर्ट के मामले में आप सेटिस्फाइड हो पूरा गाड़ी से? सेटिस्फाइड है बहुत ही। भाई वैसे आपने कवर आफ्टर मार्केट चढ़वाया हुआ है क्या? हाँ भाई आफ्टर मार्केट चढ़वाया हुआ है, जो उसका कंपनी कवर था वो फट गया था तो हमने ये लगा। आपको माइलेज कितना देती है गाड़ी? भाई माइलेज का तो पता नहीं है, पर अराउंड 45-50 का दे देती है। मैं थोड़ी रफ चलाता हूँ गाड़ी, तो पहले दूसरे में, मतलब ज्यादातर तो पहले दूसरे में गांव में ही चलती है गाड़ी, तो कम ही देती है एवरेज तो वो। तो भाई शोरूम वाले ने कितना क्लेम किया था इसका माइलेज? तो ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया था, पर जो कंपनी से था वो था होगा 60-70-80 तक होगा, पर हाँ जैसे अपन चलाना चाहो तो निकाल देगी वो 50-60 का निकाल। तो भाई वैसे आपने इसकी टॉप स्पीड कितनी निकाल रखी है? भाई टॉप स्पीड 110 तक निकाल चुका हूँ। चल जाती है 110? हाँ भाई 110 तक आराम से चल जाती है। मतलब चिपक के चलती रोड से? मतलब कि मतलब कॉन्फिडेंस लूज होता चलाते समय? नहीं भाई बिल्कुल चिपक के गाड़ी चलती है, मक्खन की तरह बिल्कुल। मतलब पावर भी इसमें है, मतलब उस हिसाब से बहुत पावर है, जैसे सीबी ओ शाइन जो है नॉर्मल सीबी शाइन उससे ज्यादा पावर है। भाई जैसे मतलब 125 में वो अपनी पल्सर आ रही है और ये भी 125 है, उसमें 5 गियर, इसमें 5 गियर है, तो मतलब उसको टक्कर दे सकती है ये वाली गाड़ी? हाँ भाई बिल्कुल दे सकती है। और कुछ भाई गाड़ी से रिलेटेड? भाई वैसे एक बात और, आपका ये नंबर प्लेट वगैरह का? भाई नंबर प्लेट क्या हुआ था कि एक बार हमारी गाड़ी गिर गई थी तो उसमें टूट गई थी, तो ये डेंट वेंट भी। कैसे हो गया था भाई एक्सीडेंट? भाई एक्सीडेंट तो पूछे ही मत, वो तो बताना भी नहीं चाहिए एक्सीडेंट तो कैसा हो। कुछ भाई गाड़ी से रिलेटेड नेगेटिव, आपने इतने किलोमीटर चला लिया तो है कि जैसे इसमें अगर कॉम्बो ब्रेक दे देते तो बहुत बढ़िया कंट्रोल। कॉम्बो ब्रेक नहीं आते इसमें? इसमें नॉर्मल ब्रेक्स आते हैं जो कि कोई मुझे इतने खास। ब्रेकिंग इतनी सही नहीं है इस गाड़ी की? हाँ भाई ब्रेकिंग मतलब बढ़िया है ब्रेकिंग तो, कॉम्बो ब्रेक दे तो अच्छी। हाँ भाई इसके एलॉय व्हील की डिजाइन बड़ी सही लगी है, मतलब मैंने देखा कि जो बीच में मतलब इसमें खाली डिजाइन दी है, मतलब वो गाड़ी में आजकल आती है, पर इसके मतलब एलॉय व्हील है बस शानदार लग रहा है। हाँ भाई एलॉय व्हील बहुत ही प्यारा है।
तो भाई आपने कुछ मॉडिफिकेशन करवाने की सोची हो गाड़ी में फ्यूचर में? भाई हम तो सादा सिंपल आदमी हैं, मॉडिफिकेशन हमें कोई इतनी खास जमती नहीं है, तो हमने करवाई थी। तो भाई वैसे आपकी गाड़ी का कलर निकल रहा है यहाँ पर तो मतलब आपने फ्यूचर में सोचा नहीं है कि मतलब इस गाड़ी को मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर जाऊँ मैं? नहीं, एक पॉलिश लगेगा, पॉलिश हो जाएगी तो एक नंबर चमकेगी गाड़ी। सर्विसिंग कॉस्ट की, तो भाई इसकी सर्विसिंग कॉस्ट कितने की आ जाती है? भाई कॉस्ट तो अराउंड 250 से 350 तक आ जाती है, जिसमें भाई फ्री वाली। भाई अभी तक मैंने 3 से 4 सर्विस करवा चुका हूँ, 4-5 करवा चुका हूँ, तो जिसमें से 3 सर्विस तो फ्री थी हमारी और बाकी की 2 पेड थी, तो 2 में हमारे लगे थे अराउंड 350, जिसमें उन्होंने ऑयल बदला था और क्या नट वगैरह कस दिए थे और ऑयल फिल्टर क्या कहते हैं पेट्रोल से साफ करके डाले थे ना, फिल्टर आता है डीजल ऑयल फिल्टर कौन सा फिल्टर वो फिल्टर क्लीन करके दिया था। फोर्थ सर्विस जो पेड है उसके बारे में? फोर्थ सर्विस में हमारा कुछ नहीं, ऑयल बदला था बस। उसका कितने चार्ज लगे थे? उसका अराउंड लगा था 250 बीच में ही था। एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर होंडा वालों की तरफ से? वाला बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, वहाँ पर गए हमने गाड़ी दे दी, उन्होंने बिठाया, बढ़िया ट्रीट किया, बहुत बढ़िया ट्रीट किया। सेटिस्फाइड हो मतलब आप गाड़ी से? हाँ भाई। आपके पास कभी 2021 में कितने की थी? 85 की, 85 रुपये कभी आपके पास केस हो तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करोगे 2021 में? भाई प्रेफर तो भाई मैं थोड़े बहुत मिला के यही लूंगा गाड़ी, क्योंकि बहुत बढ़िया गाड़ी लगी मुझे। सीवी शाइन की तरफ नहीं जाओगे? भाई सीवी शाइन जो है वो छोटी गाड़ी लगती है, वो दिखने में थोड़ी छोटी लगती है। मतलब इसमें पावर ज़्यादा है कंपेरिजन टू सीवी शाइन? भाई पावर का तो बता नहीं सकते अपन, पर लुक के मामले में बहुत बढ़िया लगती है मुझे। एवरेज सही निकाल देती है? एवरेज भी बहुत बढ़िया निकाल देती है। मतलब आपकी चॉइस कौन सी रहेगी 2021 में कभी आपके पास 85,000 रुपये हो तो? भाई अभी तक मैंने कोई ऐसी जैसे सी 95 की वो आ गई अपनी, कौन सी? पल्सर 125, उसके बारे में क्या ख्याल है? भाई 95 भाई मैं मुझे पसंद नहीं पल्सर गाड़ी, यही पसंद होंडा की। जी जी, होंडा कंपनी रिलायबल है, वैसे कंपनी भी सिटी अपन बिलीव कर सकते इतना। तो ये अपना एक्सपीरियंस है करने के लिए धन्यवाद। तो भाई ये था गाड़ियाँ कम्प्लीट होने से रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।